पूरे भारत जोड़ो यात्रा में फोकस पता है कहां है? ना फॉरेन पॉलिसी पे है, ना चाइनीज पॉलिसी पे है, ना पाकिस्तान पॉलिसी पे है, ना अलगाववाद पर है। फोकस जानती हैं आप कहां है? भैया राहुल को ठंड नहीं लगती, राहुल को ठंड नहीं लगती। रुको जरा। अरे यार ठंड तो उर्फी जावेद को भी नहीं लगती ना, तो उसको कांग्रेस का महिला विंग का अध्यक्ष बना दो। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले। आप देखो एक बात तो तय है, इतनी नफरत आपको वर्बल डायरिया है मैं बता दूं। नहीं आप आपको वर्बल डायरिया है मैं बता दूं। चलिए मान लिया कि बीजेपी रंग की भगवे की राजनीति कर रही है। चलो अब देखते हैं कांग्रेस किसकी कर रही है। भैया उनके बाल और उनकी नाक इंदिरा जैसी है तो हमको इंदिरा मिल गई। अरे यार भगवे की राजनीति कम से कम इस थ्योरी से तो बेटर है कि क्योंकि प्रियंका की नाक इंदिरा जैसी है तो हमें इंदिरा मिल गई। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में फोकस पता है कहां है? ना फॉरेन पॉलिसी पे है, ना चाइनीज पॉलिसी पे है, ना पाकिस्तान पॉलिसी पे है, ना अलगाववाद पर है। फोकस जानती हैं आप कहां है? भैया राहुल को ठंड नहीं लगती, राहुल को ठंड नहीं लगती। वेशभूषा है भाई। श्रीनेत जी जो प्रवक्ता है कांग्रेस की उनका ट्वीट दिखा देती हूँ और आप देख लीजिए कि उनके ट्वीट में भगवे के बारे में क्या कहा गया है कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपका फ्यूचर ये होगा और भगवा का जो आपका एलर्जी है वो सीधा नजर आ रहा है। रिजवान अहमद जी क्या मैं गलत समझ रही हूँ इस ट्वीट में जो लिखा गया है, इसका मैसेज क्या है? जी नाविका जी देखिए ऐसा है, आप जानती हैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंट्री में मैं कभी नहीं आता हूँ लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ अपनी बात रखने के लिए। चलिए मान लिया कि बीजेपी रंग की भगवे की राजनीति कर रही है। चलो अब देखते हैं कांग्रेस किसकी कर रही है। भैया उनके बाल और उनकी नाक इंदिरा जैसी है तो हमको इंदिरा मिल गई। अरे यार भगवे की राजनीति कम से कम इस थ्योरी से तो बेटर है कि क्योंकि प्रियंका की नाक इंदिरा जैसी है तो हमें इंदिरा मिल गई। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में फोकस पता है कहां है? ना फॉरेन पॉलिसी पे है, ना चाइनीज पॉलिसी पे है, ना पाकिस्तान पॉलिसी पे है, ना अलगाववाद पर है। फोकस जानती हैं आप कहां है? भैया राहुल को ठंड नहीं लगती, राहुल को ठंड नहीं लगती। रुको जरा। अरे यार ठंड तो उर्फी जावेद को भी नहीं लगती ना, तो उसको कांग्रेस का महिला विंग का अध्यक्ष बना दो। मतलब अरे मेरे भाई मेरा नाम रिजवान है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पेट में दर्द का हो रहा है यार, तुम्हें क्या कांग्रेस में तमीज नहीं सिखाई गई क्या? अरे जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पेट में दर्द का हो रहा है। लोकेश जी बोल तो लेने दीजिए। तुम्हारे पेट में दर्द का हो रहा है, चुप रहो, होल्ड करो। अब आप सुनिए ठीक। तो एक मैंने नाम प्रपोज कर दिया ठंड के हिसाब से, राष्ट्र महिला अध्यक्ष उर्फी जावेद। अब आगे चलो। टपा डप। अभी शेरगिल भाई ने एक बात बोली कि आप लोग अपना लिबास बदल लो। शेरगिल भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डू नॉट एग्री विद यू। ये लिबास ही तो कमबख्त इनकी गले की हड्डी बन गया है। ये भगवा पहनते हैं तो इनका मजाक उड़ता है, ये भगवा नहीं पहनते तो लोग इन पे सवाल उठाते हैं। हजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते, काश आपने 1980 से लेकर 2010 तक भगवे का सम्मान कर लिया होता, जालीदार टोपी से थोड़ा दूर हो गए होते तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही ना। आज आपको भगवा प्रेम नजर आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि बिना भगवा प्रेम के आप देखो एक बात तो तय है, इतनी नफरत आपको वर्बल डायरिया है मैं बता दूं। नहीं आपको वर्बल डायरिया है मैं बता दूं। रुक जा।